हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मिक्स वेज पकोड़ों की रेसिपी बना रहे हैं हम आज, जिसे आप पकोड़ा प्लैटर भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ पर ठंड और बारिश दोनों का ही सीज़न साथ में आ गया है। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्रीन चटनी और इमली खजूर की चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है, तो आप इसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो में हम एक साथ पालक, आलू, मिर्च और प्याज के पकौड़े साथ में ही बना लेंगे, तो चलिए अब इसे देख लेते हैं। ताज़ा पालक को आपको अच्छे से धो लेना है और इसे रफली चॉप कर लेना है। पालक को आप हमेशा 2 से 3 पानी से धो लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिट्टी साथ में आ जाता है। पालक काट लेने के बाद आपको मिर्ची को बीच में से चीरा लगा देना है, जिसे हम स्लिट भी कहते हैं। आप इसे बीच में से ऐसे कट कर लीजिए और बाकी सारी मिर्चियों को भी सेम ही तरीके से कर लेना है। प्याज के पकौड़े हम 2 स्टाइल में बनाएंगे, तो आप एक प्याज को जिस तरीके से दिखाया गया है उस तरीके से इनके लंबे लंबे स्लाइस कर लीजिए और फिर इन्हें खोल लेंगे ताकि इसके लच्छे बन जाए। दूसरे प्याज को भी सेम तरीके से बीच में से कट करके और फिर इसे आगे जाकर बारीक कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक साइड पर हमारे बारीक कटे हुए प्याज तैयार हो गए और दूसरे साइड हमारे प्याज के लच्छे तैयार हो गए। आपको इन्हें हल्के हाथों से खोल लेना है, जिस तरीके से दिखाया गया है। आलूओं को हमने स्लाइस करके पानी के बाउल में रख दिया था ताकि वो काले नहीं पड़ जाए, तो वो मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाया है। बेसन का बैटर बनाने के लिए 1 बड़ा बाउल बेसन, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच तेल और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। बैटर बनाते वक्त हमेशा पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, इससे हमारे को कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने में हमेशा सहूलियत होती है। इसे तब तक मिलाते रहिए जब तक हमें एक लम्प फ्री बैटर नहीं मिल जाता। हमें बैटर ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा चाहिए। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बैटर की। बैटर तैयार होने के बाद इसमें 3 से 4 चुटकी सोडा डाल लेंगे, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने सोडा थोड़े ही बैटर में मिलाया। अब इसमें आलू डालकर इसके पहले आलू के पकौड़े बना लेते हैं। मीडियम हाई हीट पे पकौड़ों को फ्राई कर लेना है, जिस तरीके से दिखाया गया है, जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। हमारे पकोड़े यहाँ पर बिल्कुल करारे बन गए हैं। चलिए अब इसे एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं। अब बैटर में मिर्ची डालकर मिर्ची के भजिए बना लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मिर्ची को कोट किया है। एक्सेस बैटर को वहीं पर ड्रेन कर लेंगे और मिर्ची के पकोड़े इस तरीके से डाल लेंगे। पकौड़े बनाते वक्त फ्लेम हमेशा मीडियम हाई हीट ही रहेगी। अगर आपका तेल ठंडा है तो पूरे पकौड़े तेल पी लेंगे। 1 से 2 मिनट में मिर्ची के पकोड़े भी आपके बनके तैयार हो गए हैं। इसे भी बाहर एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। अब बैटर में लच्छे वाले प्याज डालकर इन्हें हल्के हाथों से तेल में छोड़ देंगे। आपको इसका कोई शेप नहीं देना है, आपको बस इन्हें हल्के हाथों से गर्म तेल पर छोड़ते जाना है, जिस तरीके से दिखाया गया है। इन्हें भी जब तक ये गोल्डन ब्राउन करारे नहीं हो जाते तब तक हम तल लेंगे। लच्छे वाले प्याज के पकोड़े यहाँ पर बनकर तैयार हैं। चलिए अब इसे भी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेते हैं। अब बेसन के घोल में हम डाल लेंगे बारीक कटे हुए प्याज, जिसके अब हम गोल पकोड़े बना लेंगे। तेल को हमेशा मीडियम हाई हीट पे ही रखिए और फ्राई करते वक्त केयरफुल रहिए। आप दिखाए गए तरीके से यहाँ पर इसके राउंड शेप डाल लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने दीजिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। एक बार इसमें करारापन आ गया, उसके बाद इसे आप एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए।
अब एक बाउल में थोड़ा बैटर अलग करके 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा नमक डालकर इसे एक बाउल में अलग से मिला लीजिए पालक के साथ में। पालक के साथ बेसन के बैटर को अच्छे से मिला लीजिए और ध्यान दीजिए कि आपकी पालक अच्छे तरीके से बेसन से कोट हो गई है। उसके बाद इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डालकर वापस से इसे मिला लेंगे। मीडियम हाई हीट ऑयल करके इसमें अब पालक के पकौड़े भी हम दिखाए गए तरीके से छोड़ देंगे। एक से दो मिनट में ये भी बिल्कुल करारे हो जाते हैं, इन्हें भी अब एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। हमारे सारे पकोड़े यहाँ पर बनकर तैयार है, चलिए अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इन्हें सॉस, हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए, तभी पकोड़ों का असली मज़ा आता है। आप अपने हिसाब से इन्हें प्लेटर में या अलग अलग करके किसी भी तरीके से अरेंज करके सर्व कर सकते हैं, और ध्यान दीजिए कि पकोड़ों को गर्मा गर्म ही खा लीजिए। और साथ में चाय बनाना मत भूलिएगा, उसकी रेसिपी भी मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक कर दी है। प्लेट करने के बाद पकोड़ों में चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए और इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिए। कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू डिड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आई विल सी यू सून, बाय।